अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे तो आए। हाँ जी मदर साइका, ये मेरे बड़े भाई शफी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रियल भाई हैं, आप लोग पूछते हैं आपके भाई का है। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बिछड़े हुए थे ये ना, सैलाब में बिछड़ गए थे। क्या, जब सैलाब आया था ये बिछड़ गए थे, अब मिले हैं। मुझे लगा मेले में बिछड़ गए थे करण अर्जुन। ये करण है और ये अर्जुन है। अच्छा चले जी, इनसे मिले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सभी भाई क्या हाल है? तो आप लोग जानते हैं आई एम रियल ब्रदर। हाँ जी। अच्छा अच्छा। मैं अल्लाह की रजा के लिए मिलने के लिए आया हूँ। कहते हैं कतारामी नहीं होनी चाहिए, आप कैसा है? ज्यादा मिलना भी सही नहीं रहता, कतारामी ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कतारामी नहीं होनी चाहिए बस। चलो फिर मिलते हैं। चले इनकी तो शेयर करें। ये देखिए चाय का लाजमा तैयार है। यहाँ देखिए चाय बन रही है। ये देखिए चले जी, चाय आ चुकी है। अभी चाय किसने बनाई है? मैं बनाई है। टिप्स ने, टिप्स हम ला के आयशा पी ने चाय बनाई है। हाँ जी मदर साइका। हाँ जी, मेरे भाई मेरे लिए ईद लेकर आए हैं। अच्छा, ये देखें, ये समी भाई ईद लेकर आए हैं। ये मुझे ईद दे गए थे। अच्छा, लेकिन ये दोबारा आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत हैं। ये इधर शफी भाई। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको खुशियां दिखाए, घर नसीब करे और ऐसे नजरों से बचाए और कभी भी इसे नजर ना लगे, सारी खुशियां नसीब फरमाए। और ये पैसे इसलिए, पैसों की कोई कदर नहीं होती, इंसान इंसानियत के नाते मिले तो कामयाबी होती है। हाँ जी, ये पैसे इन्होंने मुझे इसलिए दिए, मैंने इनके लिए दो पिज्जे मंगवाए। अच्छा, इन्होंने बिल दिया है। मेरी इधर रियली। अच्छा अच्छा जी, चले ठीक है। ठीक है मैम, फिर मिलते हैं। ये देखो मैंने देखा दो मामू आए, बस मैंने दो पिज्जे मंगा लिए। चलो ठीक मामू। हाँ जी मदर। हाँ जी, भाई आए थे तीनों बहनों से मिलने। अच्छा। इत्तफाक से तीनों बहनें इकट्ठी थी। हाँ जी। और अब जा रहे हैं। चलें। अच्छा। जी दुआ करें अल्लाह ताला इन्हें खैर वाफिया से पहुंचाए, और ये मेरी बहन को भी खुशियां नसीब फरमाए, दोनों सारी बहनों को, और इनको ये जो घर मिला है अल्लाह इनको नजर से बचाए। माशाल्लाह, ये मतलब क्या आप टोटल बहन भाई हैं? हाँ जी, हम जिंदा इतने हैं, दो भाई फोटो, तीन हो गए हैं, एक सिस्टर भी है। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि नाते टूट जाते हैं वो ये गलत फहमी में लोग हैं। मेरी वालदा कहा करती थी कि नाखून जो है ना, उंगलियों से मांस से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये गलत फहमी। इस मौके पे मैं एक शेर कहना चाहूंगी। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते। हाय हाय, इस बहन को अल्लाह ताला सब्र और सुकून दे, और जिस बहन के घर में आई हुई अल्लाह उसका आबाद रखे। आबाद रहे घर हमेशा ऐसे फूलों की तरह, आबाद रहे ये घर ऐसे फूलों की तरह, हमेशा खुशबू आती रहे इसमें फूलों की तरह। माशाल्लाह। अब आप भी कहें कोई शेर। मुझे शेर नहीं आता, बिल्ली आती है। नहीं नहीं, आप शेर कहें। मैं यही कहूंगी कि जब हर इंसान को आप बड़ा छोटा कर देखते हैं ना, तो उस मौजू पे मैं एक शेर कहूंगी। ना देख किसी को हकारत की नजर से, ना देख किसी को हकारत की नजर से, कोई ना कोई चेहरा किसी ना किसी को महबूब होता है। वाह 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 वाह। हाँ जी मानू। मुझे शेर तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे लिए मैं भी दुआएं दे सकता हूँ कि हमेशा मेरी बहनें ऐसे हंसी खुशी बसती रहें और एक दूसरे से हम मिलते जुलते रहें, ताकि हमें भी एक दूसरे की मोहब्बत ज्यादा रहे। दरख्तों के पत्ते हिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो हम सब बहन भाई मिलते रहेंगे। फरमाया हदीस का मफहूम है कि लैलतुल कदर में उस इंसान की चार इंसानों की बख्शिश नहीं होती, एक शराब का आदि, एक शराब का आदि, एक हसद की ना बुगज रखने वाला, और एक रिश्तेदारी से कतौ रहमी करने वाला, और एक वालदैन का नाफरमान। जो लोगों में ये चीजें हैं उसे अपनी तरफ से दूर करें और अल्लाह को राजी करें। लैलतुल कदर की रात इतनी कीमती रात है कि आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं और जमीन पर दो फर फैलाते हैं और अब सारे आसमानी फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जाओ मेरे जो बंदे हैं उनकी दुआओं पर आमीन कहो। इतनी कीमती रात है
लैलतुल कदर की रात है, हजार महीनों से रात है, रमजान का महीना है जी जी। और इतनी कीमती रात है, ये चार आदमी महरूम हो जाते हैं, उसमें एक आदमी हसद की ना बुगज रखने वाला भी है। अच्छा। अपने खुदारा दिलों को साफ करें, एक दूसरे को अल्लाह की रजा के लिए माफ करें। ऐसे ही है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं, मुसाफा करते हैं और फरिश्ते आमीन कहते हैं, मगर ये चार लोग रह जाते हैं, शराब का आदि और हसद की ना बुगज रखने वाला, वालदान का नाफरमान और वालदान का नाफरमान और कता ताल्लुक रखने वाला। जो कता ताल्लुक रखेगा क्यामत के दिन, एक हदीस में आता है, वो अर्श का साया नसीब नहीं होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। सुभान अल्लाह, आपकी बातें बहुत मामू अच्छी थी, गहरी थी और दीन के मसलिक थी जी। मतलब हाँ जी, अब ये जा रहे हैं, आप इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें खैर आफियत से पहुंचाए, अपनी पनाह में रखे। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज।